नमस्कार, इन खबरों में आप सभी का स्वागत है। अमिताभ बच्चन का सबसे पॉपुलर टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति 13 को इस साल का सबसे पहला करोड़पति कंटेस्टेंट मिल गया है। जी हां, हिमानी बुंदेला इस साल की पहली करोड़पति बन चुकी है, लेकिन वह 7 करोड़ के सवाल का सामना नहीं कर पाई और बिना जोखिम उठाए 1 करोड़ जीत कर गेम छोड़ दिया। बता दें, 7 करोड़ के लिए जो सवाल हिमानी के सामने था, उसका जवाब वह नहीं जानती थी और ना उनके पास कोई लाइफलाइन थी, इसलिए उन्होंने बिना कोई जोखिम उठाए खेल को बीच में ही छोड़ दिया। तो आइए बता दे आपको उस सवाल के बारे में, जिसका सही जवाब देकर हिमानी ने 1 करोड़ रुपए जीत लिए। सवाल ये था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रस्तुत किए गए थीसिस का शीर्षक क्या था, जिसके लिए उन्हें 1923 में डॉक्टर की उपाधि दी गई थी, जिसके ऑप्शन थे द वाइट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, द प्रॉब्लम्स ऑफ द रूपी, नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया, द लॉ एंड लॉयर्स। बता दें, हिमानी नेत्रहीन है, लेकिन उनके अंदर हौसलों की कमी बिल्कुल भी नहीं है। वह एक जिंदा दिल लड़की है और काफी बिंदास भी है। शो के होस्ट अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठकर हिमानी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ 1 करोड़ तक सभी सवालों के सही जवाब दिए थे। तो ऐसे ही खबरों पर रहेगी हमारी नजर। आप देखते रहिए इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।